सिंध के वजीर तालीम की कारकर्दगी का पोल खुल गया। सरकारी स्कूलों की हालत अजार पर अदालत बरहम, बंद स्कूल कौन खोले? सिंध हाई कोर्ट में सूबे में मुफ्त तालीम और इस्लाहात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सेक्रेटरी तालीम की जानिब से रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई। रिपोर्ट में एतराफ किया गया कि सिंध भर में 6,846 स्कूल बंद हैं और सूबे भर के 7,974 स्कूल चलाने के काबिल ही नहीं, जबकि कराची के 6 अजला में 229 स्कूल बंद पड़े हैं और सबसे ज़्यादा ज़िला मलीर में 137 स्कूल बंद हैं। सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि नए असाज़ा की भर्तियों से बंद स्कूलों को खोला जाएगा, जबकि हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। बाद में अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर बताया जाए कि सिंध भर में कितने फ़ीसद तालीम मुफ्त फराहम की जा रही है, जबकि असाज़ा की भर्तियों से मुतालिक भी तमाम कार्रवाई 4 माह में मुकम्मल करके बताई जाए। अदालत ने मजीद समाअत 13 अप्रैल तक मुलतवी कर दी।